नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं रूपकिशोर राजपूत, क्रांतिकारी खबर में आपका स्वागत है। आइए ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के शहर अलीगढ़ में, जो कि एक ऐसी संस्था है जिसके द्वारा फ्री मेडिकल कैंप लगाया जा रहा है। खिदमत इंसानी कमेटी के नाम से ये संस्था है और अलीगढ़ में कई जगह इस तरह के कैंप लगा चुकी है। आगे भी इनका जगह जगह फ्री लगाने की ठान चुकी है। पहले भी इस तरह के कई कैंप लगाए हैं इन्हें। आज घास की मंडी रंगरेजन मोहल्ले में लोगों को फ्री दवा और चेकअप करके दवा दी जा रही है। ये इस तरह के जगह जगह कैंप मरण बस्तियों में लगाएंगे और डॉक्टर हसीन जो लोगों की खिदमत करते हैं, वो पूरी तरह से विकलांग है, उसके बावजूद भी लोगों की मदद करने का इन्होंने बीड़ा उठाया रखा है और हमेशा लोगों की मदद करते रहते हैं। इन लोगों ने बताया कि हिंदू मुस्लिम कोई भी व्यक्ति हमारे फ्री कैंप में आए, हमें किसी से कोई गुरेज परहेज नहीं है। हम सबको दवा फ्री उपलब्ध कराते हैं और चेकअप भी करते रहते हैं। आइए इस मामले में डॉक्टर साहब, किस तरह का कैंप लगाया जा रहा है? ये खिदमत इंसानियत जमात उलमा हिंद की तरफ से ये कैंप है। हमारे तमाम साथी हैं जो हमारे साथ हैं, हम तो यहाँ पर सिर्फ मेडिकल कैंप की हैसियत से आए हुए हैं। निःशुल्क कैंप लगाया है? हाँ, ये बिल्कुल निःशुल्क कैंप है। यहाँ पे किसी से कोई भी चार्ज नहीं लिया जा रहा है। किस संस्था के तहत लगाया जा रहा है? खिदमत इंसानियत संस्था है, उम्मत के नाम है, इंसानियत कमेटी नाम है इनका, उलमा हिंद के तरफ से है। तो इस तरह के कैंप और भी कभी लगेगा सर? पहले तो शायद नहीं लगे, लेकिन अब कंटिन्यू लगेंगे। दूसरे कैंप जो है भुटपुरा में लगेगा और हो सकता है यहाँ पर भी लगे, क्योंकि यहाँ पे जैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है ऐसा लगता है कि यहाँ बाकी ज़रूरत है, इसलिए हो सकता है हम लगाएं। कैसी बस्तियों में लगाना चाहते हैं? जाहिर सी बात है कि मलिन बस्तियों में ही लगाए जाएंगे हम, लेकिन बस एक सबसे बड़ी बात यह है कि जो बात हम चाह रहे हैं वो अभी तक पूरी नहीं हुई। हम चाह रहे हैं कि दोनों कम्युनिटी का सहारा मिले हमको, जैसे कि हिंदू और मुस्लिम दोनों, जो हमारे देश की दो आंखें हैं। यानी दोनों कमेटियों का सहारा मिले, तब आप जगह जगह मरण बस्तियों में जाकर के निःशुल्क लगाएं। हाँ, जो लोग हॉस्पिटल जाकर के दवा नहीं ले सकते हैं, ऐसे लोगों के लिए निःशुल्क सेवा प्रदान कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैं कल अपने क्लिनिक पर बैठा हुआ था, भोजपुरा से एक पेशेंट आई, माँ और बेटी दोनों थी, वो स्किन डिसऑर्डर की शिकार थी। तब मैंने उनका पर्चा बनाया, उन्होंने अपनी बेटी का पर्चा बनवाया, तो सबसे पहले मैंने उनसे कहा कि आपका हाल तो उनसे ज़्यादा बुरा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे पास इतना नहीं है कि मैं अपना और अपनी बेटी का इलाज करा सकूँ। हालांकि जो भी बड़ा हमने उनके साथ किया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि दोनों इलाज तो दोनों का ही होना था। आप अपनी क्लिनिक किस नाम से चलाते हैं और कहां पर? मेरी क्लिनिक तो अब्दुल हकीम होम्यो क्लिनिक के नाम से, जो कि मेरे फादर का नाम है, तुरकमान गेट पर है। करीब कितने वर्षों से प्रैक्टिस करते हैं? मैं 12 वर्षों से, पहले मैं वहाँ लड़िया पर था। तो पहला कैंप कहां लगेगा? पहला कैंप हमारा इरादा है भोजपुरा के उस लास्ट वाले एरिया में, जहां दोनों कम्युनिटी हमें मिल जाएं। दोनों पर? हां, क्योंकि हमारी दूसरी संस्था के लोगों के साथ है तबत वाले। आज कितने लोगों को पेशेंट देखा होगा आपने? कितने पेशेंट? मुझे कुछ ज़्यादा अंदाज़ा तो नहीं है, लेकिन गालिबा 75 से 80 पेशेंट तो हो ही गए। कितना समय हो गया? 250 टारगेट। समय कितना हो गया? हाँ, मेरे ख्याल से 3.5 घंटे तो हो गए। तुम्हें किसने दादा? तुम्हें इधर
हो गया।